हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज मैं आप लोगों के साथ में एक एक्सक्लूसिव रिव्यू शेयर करने वाला हूँ दी ऑल न्यू 2021 अभी लॉन्च हुई केम 4000 का। इस बाइक को अभी मैंने चलाया है थोड़े बहुत किलोमीटर्स, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो आप लोग देखेंगे। इस बाइक से रिलेटेड पहले सारे फीचर्स जान लेते हैं, स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, इसकी प्राइस जान लेते हैं और कौन कौन सी सिटीज़ में ये अवेलेबल है वो सभी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए। अगर आप अपनी पुरानी बाइक या स्कूटर को बेचना चाहते हो और बेस्ट दाम चाहते हो उसका, तो कैश 24 मोटो पे सेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके फ्री अपॉइंटमेंट बुक करें एंड इंस्पेक्शन करवाएं। होम इंस्पेक्शन के लिए आपके यहां पर टीम विजिट करेगी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोगों को आपकी गाड़ी का बेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा। अगर आपको पसंद आता है उसी टाइम अपना अमाउंट आप उनसे लीजिए या अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं और गाड़ी को सेल कर दीजिए। आरसी ट्रांसफर भी आपको कंपनी की तरफ से फ्री में करके दिया जाएगा। इससे बेस्ट मौका और कुछ नहीं है। दिल्ली रीजन से आप बिलोंग करते हैं तो आज अभी ही ये फ्री अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अपना एक्सपीरियंस मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार इसका एक क्विक वॉक अराउंड कर लेते हैं, फिर लेके चलेंगे इसको एक अच्छी सी राइड पे। और जितना मैंने एक्सपीरियंस पहले की राइड्स पे करा हुआ है और अभी आपके साथ में करूंगा, वो सभी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको फ्रंट में जो टायर मिलते हैं उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सीएट से लिए गए टायर इसके अंदर लगाए गए हैं कंपनी ने, और इसकी जो प्रोफाइल है वो है 110/70 R17। फ्रंट में आप लोगों को जो है ये ड्यूल डिस्क सेटअप इसके अंदर मिल जाता है और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस सीरियसली इसके अंदर काफ़ी अच्छी है पावर के अकॉर्डिंगली। USB फ्रंट फॉक्स दिए गए हैं जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया हैं। टू पिस्टन कैलिपर जो है वो यहाँ पर यूज़ करे गए हैं ब्रेक्स में। आगे फ्रंट हेडलैम्प की अगर बात करें तो LED लाइट्स जो है वो लगाई गई है, और जिसका विज़न कैसा है वो मैं एक्चुअली नहीं रिकॉर्ड कर पाया, ना ही चलाने के टाइम पे नोटिस कर पाया, बिकॉज मैंने रात में नहीं चलाई है, ऑलमोस्ट इसको दिन में चलाई है या अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे निकले थे, तब थोड़ा बहुत उजास ऑलरेडी हो चुका था। तो इसकी विजिबिलिटी से रिलेटेड जो है मैं टेस्ट आपको बाद में ही बता पाऊंगा। कबीरा मोबिलिटी का स्टीकर जो है वो लगा हुआ है, लोगो यहाँ पर लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं आगे कि आगे आपको क्या कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर जो नीचे आप लोग देख पा रहे हैं ये एक हाइब्रिड केस है और 4000 जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर बैटरी पैक वगैरह जो है सभी चीज़ें लगी हुई है। जिसकी अगर बात की जाए साइज़ वगैरह की, स्पेसिफिकेशंस जिसको अपन बोलते हैं इंजन की, तो इसकी बैटरी की स्पेसिफिकेशंस है 4.4 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, जो कि अगेन IP67 मोटर IP रेटिंग है और कंट्रोलर IP रेटिंग IP65 है। 3.1 सेकेंड में ये जो बाइक है वो 0-40 की स्पीड पकड़ लेती है। ग्राउंड क्लियरेंस 200mm का है और 800mm की सीट हाइट है। CBS भी इसके अंदर दिया हुआ है, यानी कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, तो ये काफ़ी अच्छा एक सेफ्टी फीचर हो जाता है। बाकी ओवरऑल जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो काफ़ी एक नॉर्मल बाइक के हिसाब से ही है। प्रोपोर्शन जो है वो भी काफ़ी सही रखे गए हैं बाइक्स के। लुकिंग वाइज जो है वो भी बाइक काफ़ी अच्छी और स्पोर्टी कैरेक्टर जो है वो शो करती है। यहाँ से इस एंगल से देखने में ये बाइक काफ़ी बढ़िया लगती है। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिए हुए हैं जो कि यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं, देख सकते हैं। इसकी जो राइड का कम्फर्ट है वो सब चीज़ें अपन बात करेंगे राइड करते हुए। अभी पीछे की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी बड़े 140/70 R17 टायर लगाए गए हैं, जिसकी प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है और देख सकते हो विड्थ, ये जो है प्रोफाइल वो बहुत ही बढ़िया है। ये काफ़ी बढ़िया ग्रिप भी ऑफर करते हैं, इसमें आप ऑफ रोडिंग भी चला सकते हैं और ऑन रोड भी जो है इससे आप बाइक को यूज़ कर सकते हैं। अभी जिस प्लेस पर मैं हूँ ये आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं। इवन दो मैंने जो बाइक को पार्क करा है वो भी आप मतलब सोच सकते हो कि एक इंक्लिनेशन पर पार्क किया हुआ है। एक और हाँ, चलो बाइक को साथ में रखते हैं अलग से, जो छोटे पत्थर होते हैं वो नहीं जमते ना, मैंने यहाँ पे बड़े पत्थर जो है वो लगा दिए बैठे बैठे, तो ये सीन है, चलो लेट इट बी। यहाँ पे आप लोगों को टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, केम 4000 की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है, एंड बाकी बाइक के ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे स्टिकर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि स्टिकर लगता है, बट एक्चुअल में ये पैड है, रबर की जो है ग्रिप यहाँ पर आपको अच्छी मिलती है, लाइक आप स्टक कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो है पूरा एक नॉर्मल मटेरियल है प्लास्टिक का, प्लास्टिक क्वालिटी डिसेंट रखी गई है। एक्चुअली प्राइस जो है वो मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे मोटर जो है रियर टायर में भी है, और जो फुटपैक्स हैं वो भी काफ़ी सही हैं, हल्के से रियर साइड फुटपैक्स हैं, पीछे वाले थोड़े से ऊंचे हैं। रियर जो सीट है उसके ऊपर हम बाद में जाते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स देख सकते हैं जिसकी साइज़ जो है वो काफ़ी छोटी है। पीछे आपको जो है टेल लैम्प भी काफ़ी बढ़िया मतलब डिज़ाइन के मिलते हैं, LED में ही मिलते हैं ऑफकोर्स। जो मडगार्ड है वो बहुत कम है, तो पीछे जो बैठेगा उसमें पानी जो है वो उड़ेगा, लाइक यहाँ पर जो है पूरा पानी आ जाएगा, शायद पैर भी जो है उसके गीले हो सकते हैं पिलियन के जब बारिश में आप इसको चलाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी सीट की,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सीट, जो राइडर के लिए सीट है वो काफ़ी बढ़िया है। इसकी कुशनिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर एक छोटा सा ये बेल्ट दिया हुआ है, अगर पीछे कोई बैठता है तो यहाँ पर इसे पकड़ के बैठ सकता है उसको, और बाइक को अगर आगे पीछे करना है तो वो भी आप यहाँ से पकड़ के इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी डिसेंट रखी गई है, बट एक्चुअल में जो शेप है उसको मैच करने में विड्थ जो है वो सीट की थोड़ी सी कम हो गई है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये टैंक मिलता है, बट एक्चुअल में ये टैंक फ्यूल के लिए नहीं है, बैटरी चार्ज करने के लिए। यहाँ पर ये यूनिवर्सल चार्जर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे आपको बंद करना है, क्यों नहीं हुआ, इसको अभी ऐसे छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। यहाँ पर ये की लगती है, की एक बार आपको बता दी जाए तो कुछ इस टाइप की चाबी जो है वो इसके अंदर लगती है। जब इसको ऑन करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है बिकॉज अभी ये प्रोटोटाइप है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है इसमें आपको RPM दिखते हैं। आई डोंट नो व्हाई RPM क्यों दिखते हैं, बट फिर भी इसके अंदर RPM दिखते हैं। स्पीडोमीटर है और गियर की जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर शो करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इको सिटी स्पोर्ट्स मोड, इको नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम सभी जो फंक्शन है वो मिलते हैं। नेविगेशन जो है ऑनबोर्ड आपको वो भी इसके अंदर फैसिलिटी मिल जाती है, आप फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कॉल किसका आ रहा है ये वो सब चीज़ें आप यहाँ से आंसर करेंगे, देखेंगे। इधर आपको जो है स्विचेस मिलते हैं, जिसमें आपको हज़ार्ड स्विच जो है वो भी डेडिकेटेड अलग से दिया हुआ है। रिवर्स का स्विच जो है वो भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, तो यहाँ से आप सभी चीज़ें जो है एक्सेस कर सकते हैं। रिवर्स स्विच को दबा के आपको एक्सेलरेट करना पड़ता है, तो फिर आप बाइक को जो है पीछे की तरफ मूव कर पाते हैं। रिवर्स गियर में ऐसे आप डायरेक्ट रेस देके नहीं कर सकते हैं। इधर पास स्विच दिया हुआ है, इंडिकेटर, और ये हॉर्न दिया हुआ है। क्लच वगैरह जो है वो नहीं है इसमें, ये रियर ब्रेक है और ये वाला फ्रंट ब्रेक है। नीचे आप लोग ये मिस करेंगे जब बाइक को चलाएंगे, इधर आप जो है वो गियर ढूंढेंगे और इस तरफ जो है वो आप ब्रेक ढूंढेंगे। बट ये एक्चुअल में क्या होता है कि आप जैसे नॉर्मल स्कूटी ड्राइव करते हैं, स्कूटर होते हैं गियरलेस, उस टाइप से जो पैटर्न है वो इसका होने वाला है। तो ये है कबीरा मोबिलिटी की KM 4000। अब इसको चलते हैं लेके एक अच्छी सी राइड पे और चला के देखते हैं कि ये चलाने में कैसी है और बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक के साथ में वो कैसा है। तो चलिए चलाते हैं। I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm... तो अब चलाते हैं और देखते हैं कि कबीरा मोबिलिटी 4000 कैसी फील होती है, KM 4000 इसे बोलते हैं। और मैंने जितना भी अभी इसे एक्सप्लोर करा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अभी आप देख सकते हैं मैं ख़राब रास्ते पे अभी यहां पर चल रहा हूं और यहां पर जो है राइड इसकी डिसेंट है, ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं ना कि अभी मैं इसको इसके ऊपर पूरा इंप्रेशन दे नहीं सकता हूँ बिकॉज ये एक प्रोटोटाइप है, इसके ऊपर कंपनी टेस्ट कर रही है, कई सारे पार्ट्स इसके अंदर चेंज हो जाएंगे। ये समझ सकते हैं कि 60% ये बाइक है, 40% ये बाइक जो है वो चेंज हो जाएगी। हाँ, जो इसका मैकेनिज्म है या जो बोल सकते हैं कि इंजन है, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर है, इंजन तो क्या बोलें, इलेक्ट्रिक मोटर बोलना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो वही 4.4 किलोवाट की होने वाली है। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस कंपनी ने पूरी इसकी बताई है कि क्या कुछ होगा, वो सभी डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, इसमें आप लोगों को 4.4 किलोवाट की जो है लिथियम आयन LFP बैटरी मिलने वाली है, जो इको में रेंज देगी 150 किलोमीटर की, सिटी में रेंज देगी 110 किलोमीटर की, और 90 किलोमीटर स्पोर्ट्स रेंज जो है आपको मिलने वाली है। तो अब आ गए हैं अपन रोड पे और रोड पे देख लेते हैं कि कैसी क्या कुछ ये बाइक जो है वो फील होती है। नो डाउट जो इसकी ब्रेकिंग्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा अच्छा इसका पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें फ्रंट में ड्यूल डिस्क सेटअप दिया हुआ है और रियर में जो है वो सिंगल डिस्क सेटअप दिया हुआ है। अब एक बार एक्सेलरेट करते हैं इसको अच्छे से। अभी जो है मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ, इसमें तीन मोड हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। तो इको, सिटी, स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल या सिटी, दोनों में से एक कुछ भी आप बोल सकते हैं। जो स्पोर्ट्स मोड है और सिटी मोड है उसमें आपको बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा। अभी मैं स्पोर्ट्स मोड में से चला रहा हूँ और नो डाउट जो एक्सेलरेशन है वो आप समझ सकते हैं कि अराउंड 200cc या 250cc की जो बाइक्स हैं उस टाइप का या उससे और बेटर ही बोल सकते हो, उतना अच्छा एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है। इस बाइक की प्राइस 1,36,000 रुपीज़ होगी एक शोरूम, और ऑलमोस्ट ऑन रोड प्राइस भी यही होने वाली है बिकॉज बाइक में और कुछ ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक बाइक में टैक्सेस वगैरह नहीं होते हैं। और सब्सिडीज से रिलेटेड अभी कुछ बातें मैं बता नहीं सकता हूँ, आई डोंट नो, कुछ गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स आए हैं। जो KM 3000 का मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करा है उसमें कई सारी कमेंट्स भी आई थी। अब इस बाइक के बारे में बात करते हैं, तो जो सीटिंग है वो कम्यूटिंग स्टाइल से है, आप इसको सिटी में जो है चला
चला सकते हैं, हाईवे पे चला सकते हैं, ख़राब रास्तों पे चला सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड मुझे तो इशू नहीं आई मैंने, क्योंकि इतने ज़्यादा ख़राब रास्तों पे इसको चलाया है तो नीचे से बाइक कहीं लगी नहीं। बाकी अपने अपने स्किल सेट भी होते हैं, या जगह भी जो है वो और ज़्यादा लाइक बोल सकते हैं ना कि एडवेंचरस हो सकती है। मैं जहाँ गया था उससे भी ज़्यादा एडवेंचरस प्लेस पर आप इसको लेके जाएंगे तो माइट पॉसिबल नीचे लगने के चांसेस हैं, बट कंपनी वो जो नीचे पूरा हाइब्रिड केस है उसमें भी चेंजेस अभी करने वाली है। फ्रंट ब्रेक जो है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म अभी कर रहा है, बट कंपनी का कहना है कि ये जो परफॉर्मेंस है इससे परफॉर्मेंस 50% और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी फाइनल वर्जन में, जो कि मार्च में हम चलाएंगे। अभी सस्पेंशन थोड़े ज़्यादा ही स्टीफर साइड में इसके जो है वो फील होते हैं, बट ये एक टेस्टिंग यूनिट है। बाकी अगर सीट की बात की जाए तो वो बिल्कुल एकदम डिसेंट आपको कंफर्ट जो है वो ऑफर करती है, और पिलियन सीट जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी, वहाँ पर बैठना मुझे पसंद नहीं आएगा। हाँ, कभी इमरजेंसी है तो मैं 3-4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर उसके ऊपर बैठ के ट्रैवल कर लूँगा, बट उसके ऊपर कंटिन्यूसली राइड करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इस बाइक को चलाने का ही अपना एक अलग मज़ा है। साइलेंट है, एकदम पूरी 100% साइलेंट तो नहीं है, थोड़ा बहुत जो है इसका इंजन नॉइज़ लाइक या मोटर नॉइज़, इंजन जब भी मैं बोलूँ समझ जाइए कि मैं इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अभी आदत है कि इतने सालों से जो इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं या रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं इंजन की ही बात करता हूँ, तो इंजन से आप इलेक्ट्रिक मोटर को ही रेफ़र करें। ट्रेनिंग वगैरह में कोई परेशानी नहीं आती है। जो टायर्स यहाँ पर सीएट के यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी ग्रिप ऑफर कर रहे हैं, ऑल्दो जो मिचलिन वाले सेट्स थे केएम 3000 में जो मैंने एक्सपीरियंस करे थे वो मुझे थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगे चलाने में, बट ये भी जो है वो काफ़ी अच्छे टायर है। अब फाइनल वर्जन में कौन से आएंगे उससे रिलेटेड अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर रुकते हैं। तो अब एक बार फिर से एक्सेलरेशन जो है वो पूरा ओपन करके देखते हैं। थर्ड गियर इन द सेंस स्पोर्ट्स गियर के अंदर हूँ मैं, स्पोर्ट्स मोड में हूँ मैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि आपको ब्रेक जो है वो लेफ्ट साइड में लीवर यूज़ करके लगाने पड़ते हैं, और राइट साइड में जो फ्रंट ब्रेक आता है वो तो है ही वहीं पर। बट एक्सेलरेशन जो है वो बाइक का बहुत ही बढ़िया है, परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी है, कंट्रोलिंग जो है वो बहुत बढ़िया है बाइक की, और 19 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है। BLDC हब मोटर इसके अंदर यूज़ करी है, मोटर IP रेटिंग IP67 है, कंट्रोलर IP रेटिंग IP65 रखी गई है, और नो डाउट अगर बात की जाए ग्राउंड क्लियरेंस की तो 200 mm का इसमें दिया हुआ है। सीट हाइट 800 mm की है, और जो लेंथ है वो बाइक 2050 mm की रखी गई है। यहाँ पर व्हील बेस भी काफ़ी बढ़िया है, 1500 mm का व्हील बेस जो है वो इस बाइक के अंदर दिया हुआ है। CBS जो ब्रेकिंग जो है इसके अंदर मिलती है, टेक्नोलॉजी मिलती है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम जो कि होंडा ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी वो भी इसके अंदर दी गई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो पूरा TFT इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है वो इस बाइक के अंदर यहाँ पर रखा गया है, जिस पर कई सारी जो है फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, कॉल रिसीव करने के या मैसेज वगैरह के जो पॉपअप हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको मिलेंगे। रिवर्स गियर भी बाइक के अंदर दिया गया है आप लोगों को, और पूरी बाइक जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होने वाली है जब फाइनल आउटपुट होगा। अभी कुछ मटेरियल जो है उनकी क्वालिटी लाइक इतनी ज़्यादा टॉप नॉच लेवल की नहीं है, उसमें और इम्प्रूवमेंट होना बाकी है, बट जैसे ही कंपनी की पूरी टीम से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने जो प्रस्पेक्टिव उनके रखे थे या जो उनकी अभी लाइक जर्नी चल रही है, जो प्रोडक्ट वो डेवलप कर रहे हैं जिस हिसाब से उन्होंने मुझे बताया था, उसके अकॉर्डिंगली जिस प्राइस रेंज में ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं ना, वो एक नेक्स्ट लेवल हो सकती है। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको प्राइस भी बहुत कम दे दी जाए और क्वालिटी बहुत ज़्यादा टॉप नॉच लेवल की दे दी जाए। एक अगर बात करूँ कि स्कूटर की, तो स्कूटर भी 1.5-1.5 लाख के आ रहे हैं इंडियन मार्केट में जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, और उनकी क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर ये बाइक जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर जो है आपको देने वाली है, और अगर 1,36,000 rupees में मिल रही है, तो एक्सपेक्टेशन तो यही है, और कंपनी ने भी यही कहना है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर वर्क करने वाले हैं और इंडिया को जो है पूरा ग्रीन करने वाले हैं, और इन बाइक्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करके एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस बाइक से ऊपर यही दे सकता हूँ कि अगर आप वेट कर सकते हैं मई तक, तो डेफिनेटली अगर आपका बजट 1.5 लाख रुपये के आसपास है, आप एक 200 cc की या 160 या 180 cc के आसपास की बाइक देख रहे हैं, तो ये बाइक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है आने वाले टाइम में। 27 सिटीज़ में ये लॉन्च होने वाली है, एंड मुझे अगर सारे सिटीज़ के नाम अभी मिल जाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। माइट पॉसिबल जब आप वीडियो देखें तब शायद मेरे पास में नाम नहीं हो, आने वाले कुछ टाइम में फ्यूचर में मैं अपडेट कर दूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इसको चलाना अपने आप में एक अलग ही एहसास है। इस बाइक को चलाने में जो मज़ा आता है वो आई डोंट थिंक कि और किसी बाइक को जो है इस बजट में आपको जो है वो आने वाला है। डेफिनेटली साउंड का जो है थोड़ा सा वो मुझे चाहता हूँ कि अगर स्पीकर वगैरह जैसे रेवल्ट वगैरह ने दिया था वैसा अगर इसमें दे दिया जाए तो थोड़ा सा अलग ही मज़ा हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल साइलेंट रहती है और बाइक जब तक साउंड नहीं करें तो वो बाइक वाली फील जो है वो आती नहीं है।
बट जो भी है, जैसा भी है, फीचर जो है वो यही है और काफ़ी कम कॉस्ट पे जो है ये बाइक आप ऑपरेट कर पाएंगे। लगभग पेट्रोल जो है वो 100 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है और कहीं कहीं जगह तो पहुंच भी गया है। तो उस पेट्रोल की बढ़ती कीमत को देखते हुए जो केम 4000 3000 या दूसरे जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है और अपने लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है केम 4000 से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप इंस्टाग्राम पर आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे आप कमेंट कर दीजिए। और आप लोग सोशल हैंडल पर कनेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली आप कनेक्ट हो जाएं ताकि सारी अपडेट्स मैं वहाँ पर देता रहता हूँ, बिहाइंड द सीन्स वगैरह मैं जहाँ पर जा रहा हूँ जो भी शूट वगैरह कर रहा हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे पास में हो और अगली वीडियो जब मैं बनाऊँ किसी गाड़ी की, बाइक की, स्कूटर की, कार की, तो आप लोगों के सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।